मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए होने वाली परीक्षा नीट का पेपर लीक होने की वजह से पूरे देश भर में हंगामा हो रहा है। चौबीस लाख बच्चों का भविष्य अधर में है। यूजीसी नेट का पेपर रद्द हो चुका है। नीट पीजी और सीआईएसआर नेट की परीक्षा भी पोस्टपोन कर दी गई है। इतने बड़े पैमाने पर परीक्षाओं में धांधली और अनियमितता के खुलासे हो रहे हैं कि पूरे देश में उथल पुथल मचा हुआ है और इन सब के बीच भारत सरकार ने 21 जून 2024 को आधी रात पेपर लीक विरोधी कानून लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्या है ये पेपर लीक कानून, इसमें क्या प्रावधान है, कितनी सजा मिलेगी और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इन सब विषयों पर बात करेंगे विस्तार से इस वीडियो में। चार मई 1997 इस दिन देश भर में आईआईटी जेईई की परीक्षा होनी थी। परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले कई आईआईटीज के प्रशासनिक अधिकारियों के पास एक फैक्स आया। ये गुमनाम फैक्स था। भेजने वाले ने अपने बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। जो जानकारी दी थी उसमें थे कुछ सवाल। वो सवाल जिसे देखते ही आईआईटी के अधिकारियों के होश उड़ गए। ये वही सवाल थे जो कुछ घंटे बाद होने वाली परीक्षा में पूछे जाने थे। सेम टू सेम, हूबहू वही सवाल। फैक्स भेजने वाला आईआईटी के अधिकारियों को ये बताना चाहता था कि पेपर लीक हो चुका है। इससे एक दिन पहले भी लखनऊ से पेपर लीक होने की खबर आई थी। एक कोचिंग सेंटर पर आरोप लगा कि उसने परीक्षा के 12 घंटे पहले लास्ट मिनट टिप्स के लिए छात्रों को बुलाया और कुछ सवाल याद करने के लिए दिए। जो सवाल कोचिंग ने दिए उनमें से 70% सवाल परीक्षा में पूछे गए। जब ये बात बाहर आई तो हंगामा शुरू हो गया। लेकिन परीक्षा के आयोजकों ने ये कहते हुए पेपर लीक के आरोपों को खारिज कर दिया कि हर साल परीक्षा के बाद कुछ छात्र और उनके परिजन परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हैं ताकि परीक्षा रद्द हो जाए और जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है उन्हें एक और मौका मिल जाए पेपर देने का। लेकिन जब परीक्षा से पहले ही क्वेश्चन पेपर का फैक्स मिला तो आईआईटीज ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। ये पहली बार था जब आईआईटी जेईई की परीक्षा रद्द हुई साल 1997 में। लेकिन ये आखिरी बार नहीं था, इसके बाद तो सिलसिला चल पड़ा। 2002, 2004, 2007, 2010 अनगिनत उदाहरण हैं जब मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक की खबरें आईं। न केवल मेडिकल इंजीनियरिंग बल्कि लॉ, सीए, बोर्ड एग्जाम्स और एसएससी, रेलवे और अन्य भर्ती परीक्षाओं में होने वाली धांधली की खबरें लगातार सुर्खियां बनती रहीं। अपनी जगह दूसरे को परीक्षा में बैठाकर परीक्षा पास कर डॉक्टर इंजीनियर बनना या नौकरी ले लेना तो इतना आम हो गया कि इस पर राजकुमार हिरानी ने मुन्ना भाई एमबीबीएस नाम से पूरी फिल्म ही बना डाली। शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो जिसके बाद अखबार में ये न छपता हो कि परीक्षा के दौरान इतने मुन्ना भाई पकड़े गए। और ये आज से नहीं हो रहा है, करीब 20 से 25 सालों के दौरान अनगिनत उदाहरण है, लंबी लिस्ट है, अनगिनत कहानियां हैं। लेकिन इसके बावजूद हमें इस पर एक कानून बना पाने में इतना लंबा समय लग गया। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले 7 साल में पेपर लीक के 70 मामले सामने आए। 15 राज्यों में पेपर लीक हुए और इससे 2-4 लाख नहीं बल्कि 1,70,00,000 अभ्यर्थी प्रभावित हुए। अभी जिस नीट एग्जाम को लेकर बवाल मचा हुआ है उसमें 24 लाख बच्चे शामिल हैं। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हो गई जिसे 9 लाख छात्रों ने दी थी। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द हुई जिसमें 48 लाख बच्चे शामिल हुए थे। फरवरी में ही उत्तर प्रदेश आरओ की परीक्षा का पेपर लीक हुआ और बाद में परीक्षा को रद्द कर दिया गया, इसमें 10 लाख बच्चे शामिल हुए थे। राजस्थान रीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था जिसमें 16 लाख बच्चे शामिल थे। इसी तरह से गुजरात से 14 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल, तेलंगाना, कितने राज्य गिनाए जाए, पेपर लीक और परीक्षाओं में होने वाली धांधली पूरे देश के लिए नासूर बनता रहा। लेकिन इसे रोकने के लिए हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पर कानून आया फरवरी 2024 में। यही कानून पहले लाकर क्या करोड़ों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने से रोका नहीं जा सकता था?
5 फरवरी 2024 को पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया। बोलचाल की भाषा में भले ही हम इसे पेपर लीक विरोधी कानून कह रहे हों, लेकिन इस कानून का आधिकारिक नाम है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम एक्ट 2024। बिल का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकना है। I rise to move for leave to introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Bill 2024, लोक परीक्षा अनुचित साधन का निवारण विधेयक 2024। धन्यवाद। अब यहाँ पर दो टर्म है, सार्वजनिक परीक्षा और अनुचित साधन। सार्वजनिक परीक्षा में कौन कौन सी परीक्षा शामिल होगी और अनुचित साधनों का क्या मतलब है, ये भी हम आपको बता देते हैं। इस कानून में सार्वजनिक परीक्षाओं का अर्थ उन परीक्षाओं से है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। अब इस कानून के अंतर्गत कौन कौन सी परीक्षाएं आएंगी वो हम आपको बता देते हैं। वो परीक्षाएं जो संघ लोक सेवा आयोग आयोजित कराता है, यानी यूपीएससी द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं, चाहे वो आईएएस आईपीएस की भर्ती के लिए होने वाली हो, सिविल सर्विस एग्जाम हो, चाहे एनडीए हो, अन्य परीक्षाएं हो जो यूपीएससी आयोजित कराती है। दूसरी संस्था है कर्मचारी चयन आयोग, यानी एसएससी, जो केंद्र सरकार के तमाम विभागों में भर्ती के लिए, कर्मचारियों की भर्ती के लिए परीक्षा कराती है एसएससी, उसकी परीक्षाएँ भी इस कानून के अंतर्गत आएंगी। तीसरा है रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे में भर्ती के लिए जो अलग अलग परीक्षाएं आयोजित होती हैं, अलग अलग जोन की ओर से वैकेंसी निकाली जाती है और जो भर्तियां होती हैं उनकी परीक्षाएं भी इसके अंतर्गत आएंगी। चौथा है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, यानी एनटीए, जिसको लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है। एनटीए की ओर से जेईई, यानी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए होने वाली परीक्षा, नीट जो मेडिकल कॉलेजों में होने वाली परीक्षा होती है एडमिशन के लिए, इसके अलावा यूजीसी नेट की परीक्षा होती है जिसके द्वारा ये तय किया जाता है कि कोई व्यक्ति प्रोफेसर बनने के योग्य है, कॉलेज में पढ़ाने के योग्य है या फिर नहीं, ये सारी परीक्षाएँ एनटीए कराती है और एनटीए को लेकर इस वक्त देश में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इस जो कानून है उसके अंतर्गत एनटीए की परीक्षाएं भी आएंगी। पांचवा है बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस, जो बैंक में जो सरकारी बैंक है उनमें जो भर्ती के लिए परीक्षाएं होती हैं वो आईबीपीएस कराती है और ये सारी परीक्षाएं इस कानून के अंतर्गत आएंगी। और छठा है केंद्र सरकार के विभाग और भर्ती के लिए उनके संलग्न कार्यालय, यानी केंद्र सरकार के जो विभाग है अगर उनमें कोई भर्ती निकाली जाती है, उनके द्वारा जो कोई परीक्षा आयोजित कराई जाती है, उसमें भी ये कानून लागू होगा। यानी कि ये कानून उन्हीं परीक्षाओं पर लागू होगा जो ये संस्थाएं आयोजित कराती, जो छह हमने आपको नाम बताया, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, एनटीए और केंद्र सरकार के जो विभाग हैं उनके द्वारा जो वैकेंसी निकाली जाती है उन पर जो परीक्षाएं होती है, ये कानून उन्हीं पर लागू होगा। संसद में इस बात पर काफ़ी जोर दिया गया कि इसमें राज्यों की परीक्षाओं को भी शामिल किया जाए, क्योंकि हमने देखा है उत्तराखंड, राजस्थान, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में किस तरीके से राज्य सरकारों की भर्तियों में धांधली हुई है। बोर्ड परीक्षाओं को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। आपने इस बिल के जरिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एजेंसीज है, जिस ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस है, यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ऐसी जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसको इस बिल के दायरे के अंदर लेकर आए हैं। हमारी ये मांग है कि जो राज्य सरकार के जो प्रमुख एग्जामिनेशंस होते हैं उनको भी इस बिल के दायरे के अंदर इसलिए लाना जरूरी हो गया है कि कई राज्य सरकार के नेताओं और कई राज्य सरकार द्वारा ही पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, इसीलिए इसको इस बिल के अंदर उन्हें भी लाना जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह है कॉन्करेंट सब्जेक्ट है और कॉन्करेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत ये केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि वे राज्यों के भी एग्जामिनेशन जो होते हैं उनको इसमें लिया जाए, जो कि इसमें शेड्यूल में दिया गया है। सच अदर अथॉरिटी इज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि चूंकि ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है इसलिए राज्यों में भी यदि कोई इस प्रकार की मांग आती है तो उसमें इसको शामिल किया जाए। ये तो हो गई सार्वजनिक परीक्षा की बात। अब बात अनफेयर मींस, यानी अनुचित साधनों के उपयोग और अपराध की। अनुचित साधनों में कौन सी चीजें आती हैं, जो अपराध है उस पर बात करने से पहले दो शब्दों को समझ लेते हैं जो आपको बार बार सुनने को मिलेगा आगे वीडियो में। पहला है परीक्षा प्राधिकरण। परीक्षा प्राधिकरण या एग्जामिनेशन अथॉरिटी वो संस्था है जो परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया संचालित करती है, जैसे यूपीएससी, एसएससी, एनटीए आदि। दूसरा शब्द है सेवा प्रदाता या सर्विस प्रोवाइडर।
सेवा प्रदाता या सर्विस प्रोवाइडर कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या फर्म हो सकता है जिसे परीक्षा कराने के लिए परीक्षा प्राधिकरण द्वारा नियोजित किया गया हो। यह कोई एजेंसी हो सकती है जिसे ऑनलाइन परीक्षा कराने का टेंडर दिया गया हो, या कोई प्रिंटिंग प्रेस कंपनी हो सकती है जिसे क्वेश्चन पेपर छापने का ठेका दिया गया हो, या कोई ट्रांसपोर्ट की कंपनी हो सकती है जिसे पेपर लाने ले जाने का टेंडर दिया गया हो। तो ये सारे सर्विस प्रोवाइडर के अंतर्गत आएंगे। अब समझते हैं कि अनुचित साधन क्या है। पहला, प्रश्न पत्र या आंसर की या उसके किसी भाग को प्रकट करना, जिसे हम कहते हैं पेपर लीक। दूसरा, प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी को प्रकट करवाने के लिए दूसरों के साथ भागीदारी करना, यानी कि पेपर लीक में मदद करना। तीसरा है, प्राधिकार के बिना प्रश्न पत्र या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन रिस्पॉन्स शीट तक पहुंचना या उसे अपने कब्जे में लेना। ये हमने देखा कि कई बार इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हो जाता है, जब हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वहाँ से पेपर लीक हो जाता है, और UPSSC की वीडियो भर्ती परीक्षा आई थी जिसमें ये भी हमको देखने को मिला था कि अनधिकृत तरीके से, अनऑथराइज्ड तरीके से, किस तरीके से ट्रेजर से कॉपी निकाल ली गई थी और उसको सॉल्व करके फिर वापस कॉपी रख दी गई थी। तो कोई भी व्यक्ति अगर गलत तरीके से, जिसको ये अधिकार नहीं है कि आंसर शीट या जो क्वेश्चन पेपर है उसको अपने कब्जे में लेता है, तो वो भी इसके अंतर्गत अपराध माना जाएगा। चौथा है, परीक्षा में किसी भी अनाधिकृत रीत से अभ्यर्थी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर सहायता करना। हम देखते हैं कि परीक्षा के दौरान चाहे वो जो सेंटर है वहाँ पर, या जो स्टाफ लगा हुआ है एग्जाम कंडक्ट कराने में उसकी ओर से, या बाहर से किसी की ओर से जो ब्लूटूथ या नकल सामग्री के जरिए अगर कैंडिडेट या स्टूडेंट की मदद कर रहा है, तो वो इसके जरिए अपराध होगा। पांचवा है, उत्तर पुस्तिकाओं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन रिस्पॉन्स सीट के साथ छेड़छाड़ करना। हमने कई बार ये देखा है कि परीक्षा होने के बाद जो आंसर सीट है या जो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन रिस्पॉन्स सीट है जो ऑनलाइन एग्जाम में सिक्योर होती है, उसके नंबर्स बदल दिए जाते हैं। कई बार ये होता है कि मार्कशीट बदल दी जाती है, फाड़ दी जाती है, कॉपी चेंज कर दी जाती है, इस तरह के तमाम आरोप हमने देखा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी कुछ साल पहले ये मामला आया था, और अभी भी UPSSJ की जो परीक्षा हुई थी उसमें हमने देखा कि कुछ छात्रों ने ये आरोप लगाया है कि परीक्षा के बाद उनकी कॉपी जो है बदल दी गई है। तो अगर कोई परीक्षा के बाद कॉपी बदलता है या उसके साथ छेड़खानी करता है, तो उसे भी इसमें अपराध माना जाएगा। छठवां है, किसी वास्तविक त्रुटि को सुधारने के सिवाय बिना किसी प्राधिकार के मूल्यांकन में परिवर्तन करना, यानी कि नंबर घटाना बढ़ाना। अगर आप जो आंसर सीट है उसके उसमें जो नंबर आ रहे हैं वो कुछ और हैं, लेकिन जो रिजल्ट जारी किया जा रहा है उसमें कुछ और नंबर आ रहे हैं, तो उसे भी अपराध माना जाएगा। सातवां है, सार्वजनिक परीक्षा को स्वयं या अपने एजेंसी के माध्यम से संचालित कराने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित मानदंडों या मानकों का जानबूझकर अतिक्रमण करना, यानी कि आप ठेका पाने के लिए एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जो है उससे ठेका पाना चाहते हैं, और उसके लिए जो नियम तय किए गए हैं, जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, जो मानक बनाए गए हैं, आप उसमें फिट नहीं होते हैं, लेकिन हेर फेर करके, धांधली करके, छेड़खानी करके आप दिखाते हैं कि हम इसके लिए उपयुक्त हैं और किसी भी तरीके से वो ठेका पाना चाहते हैं, तो ये जो है अपराध माना जाएगा इस कानून के अंतर्गत। आठवां है, किसी अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्ट करने या उसकी मेरिट या रैंक को अंतिम रूप दिए जाने के लिए किसी डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करना, यानी कि अगर किसी छात्र को मेरिट लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट करने या उसकी रैंक को घटाने बढ़ाने के लिए किसी तरीके की छेड़खानी होती है, तो उसको भी अपराध माना जाएगा। नौवां है, परीक्षा के संचालन में अनुचित साधनों के इस्तेमाल के लिए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करना। हम कई बार इस तरह की चीज़ें देखते हैं कि कुछ लोग ब्लूटूथ लेकर चले जाते हैं, कुछ लोग फ़ोन लेकर चले जाते हैं, अलग अलग तरीक़ों से जो सुरक्षा उपाय किए गए हैं परीक्षा में नकल को रोकने के लिए या परीक्षा को शुचिता को बनाए रखने के लिए उसका उल्लंघन करते हैं, तो उसको रोकने के लिए भी ये इस कानून में प्रावधान किया गया है। दसवां है, परीक्षा के दौरान अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या अधिक प्रश्नों का हल प्रदान करना, जैसे कि सॉल्वर गैंग की ओर से जो परीक्षा का सॉल्व करके, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके छात्रों को उपलब्ध कराया जाता है, अगर उस तरह के एक्टिविटी में कोई व्यक्ति शामिल होता है, चाहे वो एक प्रश्न सॉल्व करे, चाहे एक से अधिक प्रश्न सॉल्व करे, वो भी इस कानून के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा। इसके अलावा 11वां पॉइंट ये है कि कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर संसाधन या सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना, यानी कि सिस्टम हैक करने ला या रिमोट कंट्रोल के जरिए जो ऑनलाइन एग्जाम होता है उसको, उसके साथ छेड़छाड़ करना भी इस कानून के अंतर्गत अपराध माना जाएगा।
12वां है, अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था, तारीखों और पालियों के आवंटन में हेर फेर करना। जैसा कि हमने अभी अगर हम ताजा उदाहरण देखें तो गोधरा में इस तरह की चीज हमको देखने को मिली कि किस तरीके से सेंटर को सेंटर पर जो स्टाफ तैनात था वो भी और कुछ अपने छात्रों को वहां पर सेट करके उनको जो है नीट का पेपर सॉल्व कराया गया। व्यापम की जो परीक्षाएं हुई थी जो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित कराई गई थी जिसमें तमाम तरह के घोटालों के आरोप लगे थे, उसमें भी इस तरह की धांधली देखने को मिली थी कि परीक्षा की जो तारीख है उसमें बदलाव किया गया, जो छात्रों के बैठने का क्रम है उसमें बदलाव किया गया और इस तरीके से जो है परीक्षा के दौरान परीक्षा में धांधली की गई, तो इसको भी इस कानून के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। 13वां पॉइंट है परीक्षा कराने वाले प्राधिकरण या सेवा प्रदाता या सरकार के किसी प्राधिकृत एजेंसी से जुड़े व्यक्तियों के जीवन स्वतंत्रता को खतरे में डालना या परीक्षा के संचालन में बाधा डालना। यानी कि अगर परीक्षा को प्रोसेस में आप किसी तरीके से रुकावट डालते हैं या जो परीक्षा से जुड़े लोग हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको डराते हैं धमकाते हैं, जैसे कि व्यापम में भी हमको कई बार ये देखने को मिला था, तो वो भी इसके अंतर्गत अपराध माना जाएगा। 14वां पॉइंट है फर्जी वेबसाइट और भर्ती परीक्षा या परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी करना या परीक्षा कराकर धोखा करना। ये अक्सर हमको देखने को मिलता है कि कुछ लोग फर्जी वेबसाइट बनाते हैं और उस पर वैकेंसी निकाल देते हैं, गवर्नमेंट की जो साइटें हैं यूपीएससी एसएससी उससे मिलती जुलती साइटें बनाते हैं और फिर वहां पर भर्ती निकालकर फर्जी भर्ती निकालकर फॉर्म भरवा लेते हैं, लोगों से पैसा वसूल लेते हैं और फिर भाग जाते हैं, कई बार एडमिट कार्ड जारी करते हैं, तो इस तरह के जो फ्रॉड हैं वो भी इसके इस कानून के अंतर्गत अपराध माने जाएंगे। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्थाएं ऐसे किन्हीं भी अनुचित साधनों में संलिप्तता को बढ़ावा देने के लिए मिलीभगत या षड्यंत्र नहीं करेंगे, ऐसा इस कानून में कहा गया है। अगर कोई सेवा प्रदाता अनुचित साधनों का प्रयोग करता है और अपराध करता है तो परीक्षा प्राधिकरण संबद्ध पुलिस अधिकारियों को रिपोर्ट करेगा। इस कानून में केंद्र सरकार को यह अधिकार होगा कि वो इन परीक्षाओं में किसी गड़बड़ी की जांच का आदेश केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को करने का आदेश दे, जैसे कि नीट में जो परीक्षा में धांधली हुई उसकी जाँच का आदेश केंद्र सरकार की ओर से CBI को दिया गया है। ये तो हो गया अनुचित साधन का उपयोग और अपराध। अब बात सजा की। पहला है अगर कोई व्यक्ति अनुचित साधनों और अपराध का दोषी साबित होता है तो कम से कम 3 और अधिकतम 5 साल की सजा होगी, साथ ही 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दूसरा, अगर कोई सेवा प्रदाता या सर्विस प्रोवाइडर जो है वो परीक्षा में गड़बड़ी का दोषी साबित होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा और परीक्षा में हुए खर्च की वसूली भी उसी सर्विस प्रोवाइडर से की जाएगी। साथ ही कंपनी को 4 साल तक के लिए किसी परीक्षा में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। संसद में बहस के दौरान कई सदस्यों ने इस पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की बात की थी 4 साल की बजाय। तीसरा बिंदु है अगर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का कोई बड़ा अधिकारी सीनियर मैनेजमेंट जो है वो धांधली या गड़बड़ी में शामिल होता है जैसे डायरेक्टर वगैरह, तो फिर उसे भी 3 से 10 साल तक की सजा होगी और फिर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। चौथा, अगर कोई संस्था किसी संगठित अपराध में संलिप्त पाई जाती है तो उसकी संपत्ति कुर्क और जब्त की जा सकती है, साथ ही परीक्षा में आए खर्च की वसूली भी उससे की जाएगी। ये तो हो गई कानून की बात जो ये कहती है कि पेपर लीक होने पर या इसमें धांधली करने पर जो इस तरह के अपराध में शामिल होंगे उन्हें क्या सजा मिलेगी। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सारे प्रावधान तब काम करेंगे जब धांधली हो चुकी होगी, पेपर लीक हो चुका होगा। सरकार को ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि पेपर लीक हो ही ना, धांधली हो ही ना, उसे रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों का भरोसा सरकार और सिस्टम में बहाल हो इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ये भी स्पष्ट करना होगा। पेपर लीक और परीक्षाओं में होने वाली अन्य धांधलियों के लिए जो कानून आया है उसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। आखिर में एक कहानी और सुनाते हैं। मेरे को याद आता है मोहनदास करमचंद गांधी जो बाद में महात्मा गांधी हुए, बचपन में प्राइमरी स्कूल में पढ़ते समय एक बार गोरा इंस्पेक्टर आए थे और 5 शब्दों का डिक्टेशन किया, सारे बच्चों ने ठीक करके लिखा। मोहनदास जी का एक भूत गलत था, टीचर ने इनको कितना इंस्पायर किया, इसको मान लो करेक्शन कर दो देख करके, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वह सत्य का पुजारी था बचपन से, इसलिए महात्मा बने, इसको नहीं माना। अगर हर विद्यार्थी मोहनदास जैसा होते हैं तो इस कानून की जरूरत नहीं होता। सीधी सी बात है, आप कानून लाकर या तकनीक लाकर बेईमान को ईमानदार
नहीं बना सकते। अपराध रोकने के लिए देश में बहुत कानून है, लेकिन इससे अपराध होना रुक नहीं जाता। इसे तभी रोका जा सकता है जब हमारे और आपके अंदर ये बदलाव आए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए लोकमत हिंदी।